ओके सभी को हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम सातवीं कक्षा के तीसरे पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ओके सातवीं कक्षा के तीसरा पाठ आज हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारा भारत देश में ज्यादातर लोग बोलने वाली भाषा का नाम क्या है? हमारा भारत देश में ज्यादातर लोग बोलने वाला भाषा का नाम क्या है? क्या है बच्चों, जल्दी से जल्दी बोलना। हाँ सही है, आप सही कहे हैं। ज्यादातर बोलने वाली भाषा हमारा भारत देश में क्या है बोले तो हिंदी। ओके हमारा भारत देश के और एक दूसरा प्रश्न हमारा भारत देश की राज्य भाषा क्या है? हमारा भारत देश की राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा क्या है? क्या है? हाँ सही है, क्या है? हिंदी। हिंदी ही हमारा भारत देश की राज्य भाषा है। और में अधिक लोग बात करने वाले 14 भाषा का नाम क्या है बोले तो हिंदी। ओके ओके आज हमारा तीसरा पाठ सातवीं कक्षा के तीसरा पाठ का नाम क्या है बोले तो हिंदी दिवस। हमारा भारत देश में हर साल 14 सितंबर को क्या मनाता है, कौन सी दिवस मनाता है बोले तो हिंदी दिवस। ओके आज हमारा सातवीं कक्षा का तीसरा पाठ का नाम क्या है बोले तो हिंदी दिवस। ओके पहला हिंदी दिवस में पहला एक चित्र दिया गया है। ओके चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है बोले तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र में क्या है बोले तो हमको सबसे पहले नजर आने वाली क्या है बोले तो एक लंबा आदमी मंच पर खड़ा हुआ है। और उसके बाद लंबा आदमी के पीछे दो आदमियां कुर्सी पर बैठे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है चित्र में बोले तो मंच के सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। इस चित्र से संबंधित दूसरा प्रश्न क्या है देखेंगे। इस चित्र से संबंधित दूसरा प्रश्न क्या है बोले तो बाई ओर देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। ओके उस चित्र में लेफ्ट साइड से जो आदमी है उससे क्या पूछ रहा होगा एक बार सोचकर बताइए, क्या पूछ कर रहा होगा। इसका उत्तर क्या है बोले तो मंच पर आसीन हुए व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा होगा। नहीं तो हिंदी दिवस से कुछ प्रश्न पूछ रहा होगा। हिंदी दिवस की विशेषता क्या है और मंच पर अब तक जो समझ में ना आने वाली विषयों के बारे में पूछ रहा होगा। ओके ये दूसरा प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा। हिंदी दिवस से संबंधित हिंदी दिवस की विशेषता क्या है और हिंदी से संबंधित कुछ अंश कुछ विषय जानकारी दे रहा होगा। ओके और एक बार देखेंगे, हिंदी भाषा की विशेषता इस तरह के बात बोल रहा होगा। ओके ये पूरा हिंदी दिवस से संबंधित प्रस्तावना चित्र संबंधित तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है बोले तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला चित्र में एक आदमी मंच पर खड़ा हुआ है और इसके पीछे दो आदमी कुर्सियों पर बैठे हैं और मंच के सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है, ओके भाई और लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। भाई और लड़के से क्या पूछ रहा होगा बोले तो मंच पर जो लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में पूछ रहा होगा। नहीं तो मंच पर जो आसीन हुए व्यक्तियों के बारे में मंच पर किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस तरह के प्रश्न पूछ रहा होगा। और तीसरा प्रश्न क्या है बोले तो मंच पर खड़ा हुआ आदमी क्या बोल रहा होगा। वहां पर हमको दिखाई दे रहा है क्या है, स्पष्ट रूप से हिंदी दिवस। ओके हिंदी दिवस से संबंधित जानकारी, हिंदी दिवस से की विशेषता, हिंदी भाषा का महत्व, ओके इन विषयों के बारे में क्या
बोल रहा होगा। यह पूरा हिंदी दिवस संबंधित प्रस्तावना चित्र अब हम पाठ के अंतर्गत जाएंगे, पाठ के अंदर जाएंगे, पाठ का सारांश क्या है देखेंगे। ओके, धन्यवाद।